पहली बार इतिहास में आपने एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड का दोनों का ले लिया, तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको एससी एसटी ओबीसी की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले हैं इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, यह शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडिड और अनएडिड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। तो ये दोनों कारण जो आपने बतलाए, संविधान को एक बार 368 को और 15(5) को आप पढ़ लें तो वो फैक्चुअली अपने आप में गलत है। माननीय सभापति जी, अगर हम राजनीति और राजनीति के मतभेद से अपने आप को अलग कर लें तो ये आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई थी? जो वर्ड शब्द सोशलिस्ट था वो तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था, 1976 में 42वें संशोधन से ऐड हुआ, लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है, तो जो आरंभिक संविधान संविधान निर्माताओं ने बनाया था उसके प्रीएम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था, हम क्या क्या देंगे? जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और दूसरा क्या था? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यह तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को सामान्य अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर है, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सब को कहें कि बराबरी का ये अर्थ है, इक्वालिटी का ये अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी परीक्षा होगी, तो क्या वो बराबरी होगी? तो संविधान निर्माताओं में इतना दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो वो अपने आप में अन्याय होगा। जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसमें से जो अफर्मेटिव एक्शन कि अधिक अवसर देने पड़ेंगे, ये कल्पना उन्होंने बढ़ाई संविधान की धारा 15 और 16 में। 14 में कहा कि सबको बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन 15 में उन्होंने कहा, 15 का कि जात के, धर्म के, सेक्स के, रिलीजन के, क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कल्पना उन्होंने आर्टिकल 15 में कही। और उसके साथ साथ कि सरकार या शासन या देश संसद ऐसे कानून बना सकता है जो कुछ लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर प्रदान करे। हमने उसको विशेष अवसर कहा, पश्चिम के लोग डेमोक्रेसीज में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, केवल इतना फर्क है। और यह विशेष अवसर देने से जिनके बर्थमार्क्स कुछ ऐसे थे कि वो पैदाश से बराबर नहीं थे, तो उनको बराबरी के स्तर पे कैसे लाना है, वो उस विशेष अवसर के आधार पे आएगा। और यह इस आरक्षण के पीछे कल्पना थी। आर्टिकल 15 में हमने संशोधन करके
15-5 डाला, और 15-5 का जो उद्देश्य था वो शैक्षणिक संस्थानों के साथ था। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ये था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रावधान करना, चाहे वो एडिड हो या अनएडिड हो, और उन संस्थाओं में प्रावधान करके विशेष अधिकार दाखिले का जो लोग उस दृष्टि से पिछड़े हैं उनको हम लोग देंगे। आर्टिकल 16 का संबंध शिक्षा से नहीं था, उसका रोजगार से था, और रोजगार का अभी तक अर्थ 16 के लिए जो माना जाता है, और इसलिए कभी आर्थिक विषयों पर बहस होगी तो मैं आपके बेरोजगारी के आंकड़ों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन अभी तक वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक सीमित है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी क्षेत्र का जो रोजगार है, उसमें पीएसयूज हैं, राज्य सरकारें हैं और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं या जिसको हम स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज भी कहते हैं, उस रोजगार में भी यह अवसर प्रदान होगा। अब इसका हम इतिहास देखें, पहला आरक्षण जो था, जो बिल्कुल अविवादित था, वो एससी एसटी के लिए था, और एससी एसटी के साथ विशेषता यह थी, और मुझे लगता है हम लोगों को ये अलग कल्पना समझ लेनी चाहिए कि कोई एससी या एसटी परिवार में पैदा हुआ जीवन में बहुत तरक्की भी कर ले और सोचे कि मेरी जात बदल सकती है तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये एक व्यवस्था है, वो ऐसे फ्लोर पे बहे जिसका सीढ़ी या जीने के साथ दूसरे से संबंध नहीं है, वो ऊपर चढ़ना भी चाहे सामाजिक आधार पर नहीं चढ़ सकता। और सदियों तक उन्होंने कहा कि इससे क्योंकि इनजस्टिस हुआ है, तो इसके कल्पना की दृष्टि से पहले दिन से धारा 15 में शिक्षा के संबंध में और 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में हम लोगों ने प्रावधान कर दिया। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के समय इसमें बहस होती थी काफी आरंभिक वर्षों में। काका कार्लेकर की कमिटी आई, उन्होंने रिपोर्ट दिया, फिर मंडल आयोग की रिकमेंडेशंस आई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और अगस्त 1990 में नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली, और उस चुनौती के साथ साथ जिसका थॉमस साहब ने जिक्र किया कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला लगभग इसी प्रकार का कि 10% आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों के गरीब लोगों के लिए आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती मिली तो उन्होंने इस कल्पना को, पूरा रिजर्वेशन की कल्पना की चर्चा की इंदिरा सानी के केस में, और वही कानून आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बन गई, और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, वो गलत धारणा है। मेरा विचार यह है कि क्या ये 10% एक्स्ट्रा देके जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कुछ लोगों ने, आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने उस पर ट्वीट किया और बयान दिए कि ये 50% से ऊपर है ये तो रद्द हो जाएगा, क्योंकि राज्यों ने कई बार कोशिश की, वो रद्द हो गया था। ये सही बात है, राज्यों ने कोशिश की या तो नोटिफिकेशन के माध्यम से, या राज्यों ने कोशिश की कि सामान्य साधारण कानून बना के, गुजरात ने भी कोशिश की कि एक एक्ट बना दिया और उस एक्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, बट उसका अधिकार का सूत्र क्या था, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट पावर। जो सोर्स ऑफ द पावर था वो आर्टिकल 15 और 16 था, और वो सोर्स और ओरिजिन ऑफ पावर था कि आप या तो जो पिछड़े हैं, एससी एसटी है, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको दे सकते हो। और मंडल आयोग के केस इंदिरा सानी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है वो इस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक की डिटर्मिनेंट है। कौन ऐतिहासिक दृष्टि से था बैकवर्ड, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, काका कार्लेकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके तहत कास्ट इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बैकवर्डनेस, और इसलिए
नरसिम्हा राव जी ने 10% का नोटिफिकेशन निकाला, पर वो नोटिफिकेशन का सोर्स ऑफ पावर यहां तो संविधान में होता, ना आर्टिकल 15 में था ना आर्टिकल 16 में था, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ना आर्टिकल 15 में प्रावधान था ना 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना एससी एसटी या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी, तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, यह केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल ऑफ 50% अप्लाइज ओनली टू रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेड अंडर आर्टिकल 16(4). तो इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेस और उसमें एससी एसटी ओबीसी यानी 50% से ऊपर ये नहीं जाएगा। और इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क ये था कि आप अन्य वर्ग जो अनरिजर्व्ड वर्ग्स हैं, अगर उनके लिए भी सीट्स नहीं छोड़ोगे, तो शुरू तो हमने किया था कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ उस भेदभाव को समाप्त करना है, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है, लेकिन अगर दूसरों के लिए बहुत कम स्थान बचेगा तो भेदभाव समाप्त करने चले थे किसी और का। और अगर मैं जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिस फ्रेज को यूज किया है, तो यह भेदभाव उल्टा बन गया, तो दिस बिकेम अ केस ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि दूसरे वर्गों के पास फिर बहुत ज्यादा एडिक्वेट स्पेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगी। तो ये बैलेंस बना रहे, तो उन्होंने 50% का तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सही है गलत है इसकी चर्चा चलती रहेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये उसके पीछे तर्क था, और वो केवल 16(4) के आरक्षण के संबंध में था। अब आपने कहा कि ये क्या कारण है कि आप अभी ले आए, पटेल समाज को आरक्षण दो, आपकी पार्टी ने 2017-18 से पहले तो कभी नहीं कहा था। कई वर्गों के संबंध में, और इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण यह था कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोगों को लगता है कि जो किसान की आमदनी है और हम बार बार चमचा करते हैं कि वो कम है, और इसलिए अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें वो गरीब है तो उसके संबंध में क्या कल्पना होनी चाहिए। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं जो बचे हुए 50 में से, ये कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए, इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए? आई चेक अप द सेंसस रिकॉर्ड्स एंड टेल यू। यू सी, प्लीज यू प्लीज मेक योर पॉइंट व्हेन यू गेट अ चांस। तो इसलिए ये कल्पना थी कि इसको दिया जाए, और आज मुझे लगता है वक्त आ गया है
और अगर हम सब ने मैनिफेस्टोस अगर हम ऐसा है दादा मेरा आप सबसे आग्रह है दैट इफ यू आर सपोर्टिंग दिस डोंट बी ग्रजिंग इन योर सपोर्ट बी होल हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है I am grateful to you if you are not opposed. Madam, let me read. I can read the manifesto of every party. My party had supported it. Let me read, just for illustration, the manifesto of 2014 of the Congress party. No, I am reminding you, sir. I am reminding you because your walk must match your talk. The Congress manifesto says the Indian National Congress is committed to finding a way forward for introducing reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without in any way affecting the existing reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. Madam, what the Congress party had pledged in its manifesto, what the BJP... Yes. वैसे आप सबके मत सुनो जेटली जी डोंट लिसन टू एवरीबडी डोंट लिसन टू ये तो चलेगा मैडम प्रश्न ये है कि मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया लेकिन हमने भी यही बात कही थी Nothing is going on record. Only Jetley's statement. That's all. Let them kill open. Madam. Yes. Madam. बैठो ना. आप चाहते हैं ना. आप चाहते हैं ना तो बैठो. बैठिए बैठिए. बैठिए बैठिए. Please no. कुछ नहीं जा रहा है record में. Yes, please. Yes, Madam, yes, Minister. Madam, मैंने इसलिए जिक्र किया कि केवल हमारी पार्टी या हमारे एनडीए के साथ ही नहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है वो परीक्षा में क्या करते हैं इसके रिजल्ट का इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए ग्रजिंगली मत कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद